ये हमारा कंकर शंकर है भाई साहब, इसकी पूजा करेंगे। यहाँ आप कुबेरेश्वर धाम में जो है, आप जो है अन्य क्षेत्र में जो है शिव तत्व का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हम लाइन में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखो भाइयों, हम लोग यहाँ से गए थे रुद्राक्ष लेने। ये पोस्ट वीडियो है हमारा, रुद्राक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो ये देखो, यह जो पंडाल है यहाँ हुआ था हमारे शिव महापुराण का जो कथा था। चिट्ठियाँ मिली, जिस चिट्ठियों को भी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसी चिट्ठियाँ जो कि भक्त जो लिख के भेजते हैं महाराज जी के लिए, उसको जो महाराज जी पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसे चिट्ठियों को जो है फेंक दिया जाता है। ये है कुबेरेश्वर धाम में बनने जा रहा मंदिर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है। ये देखिए, ये हमारा कुबेरेश्वर धाम का प्रवेश द्वार, जहाँ ये मंदिर जो है प्रदीप मिश्रा जी के तत्वावधान में बनने जा रहा है, जिसके लिए ही आपसे जो है ट्रस्ट के तहत जो है चंदा वगैरह मांगा जाता है, फिर आप इस पर दान कर सकते हैं। विठलेश सेवा समिति के द्वारा यह बनने जा रहा है, इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ देख सकते हैं आप कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का समय जो है 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। यह है आपका प्रवेश द्वार। यह है हमारा सबसे प्रमुख शिव तत्व का शिवलिंग, हो सकते हैं जिस पर जल अभिषेक किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे में उसकी पूजा अर्चना की जा रही है। पीछे में आप जो देख रहे हो, वहाँ जल अभिषेक किया जा रहा है महादेव जी का, जहाँ विठलेश सेवा समिति के द्वारा जो है, यहाँ विठलेश सेवा समिति के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये है हमारा कुबेरेश्वर धाम, जहाँ सीहोर में यहाँ रुद्राक्ष वितरण भी होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है भगवान शिव का जल अभिषेक किया जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तु के सनातनियों, यहाँ जब अवश्य आएँ और यहाँ दर्शन अवश्य करें। इसको यहाँ रखो यार। ये हमारा कंकर शंकर है भाई साहब, इसकी पूजा करेंगे। हर कंकर में शंकर समाया हुआ, यदि कंकर में शंकर नहीं होता तो शिवजी के गले में भी सर्प नहीं होता। स्वयं भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने कहा, नारायण तुम मिलने नहीं आते, आपका आगमन नहीं होता। सनातनियों, ये जो है लाइन है कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के लिए। हम जा रहे हैं रुद्राक्ष वितरण के लिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर में। यहाँ के रुद्राक्ष के महिमा के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, तो यहाँ हम जा रहे हैं, आपको दर्शन कराएंगे उस रुद्राक्ष का, कि वो किस मुख, क्योंकि रुद्राक्ष जो है एक मुखी, द्विमुखी, सहित 16 मुखी, समझ बत्तीस मुखी, मतलब अनेक प्रकार के जो है रुद्राक्ष होते हैं। देखते हैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर में किस प्रकार का रुद्राक्ष प्राप्त होता है। रुद्राक्ष अर्थात भोलेनाथ का जो है अक्ष, अक्ष का मायने में जो है उसका मीनिंग जो है आप मतलब कई मायनों में जो है उसे चक्षु भी कहा जाता है, कई मायनों में जो है आंसू से लगाया जाता है, अर्थात भगवान शिव के आंसू या फिर चक्षु से उसका मीनिंग बताया जाता है। तो देखते हैं कि रुद्राक्ष में मिलता किस तरह से, क्योंकि रुद्राक्ष के दर्शन करने के लिए मेरे जी बहुत ज़्यादा लगाई थी। हर सनातनी, और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हम रुद्राक्ष के लिए आए हुए हैं, रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम भगवान शिव का रुद्राक्ष में प्राप्त होता है वो कौन से कितने मुखी का होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको रुद्राक्ष के दर्शन अवश्य कराता हूँ। बहुत के रुद्राक्ष के बारे में बहुत सारी महिमाएँ बताई जाती हैं, जिससे कैंसर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियाँ तक ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष जब मिलेगा तो हम आपको उसके दर्शन अवश्य कराएंगे। अभी तो हम देख सकते हैं आपको इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। तो आइए फिर लाइन लगते हैं। जैसे रुद्राक्ष वितरण का, रुद्राक्ष महोत्सव में जब रुद्राक्ष वितरण किया जा रहा था तो इतना ज़्यादा भीड़ था, आपको खड़े होने की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त लोग कुछ आए हैं, वो लोग बता रहे थे कि इतना ज़्यादा भीड़ था कि भाई आपको नहाने खाने, आपको चलने के तक जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन आप शिव कृपा से यहाँ शिव तत्व को प्राप्त करने आए हैं। रुद्राक्ष की प्राप्ति के पश्चात आपको उसके दर्शन अवश्य कराएंगे। हर
सनातनियों, मुझे जो है कुबेरेश्वर धाम से जो है रुद्राक्ष की प्राप्ति हो। देखो पंचमुखी रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को देखने का भी एक तरीका होता है, एक मुखी, द्विमुखी, पंचमुखी, कई प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। तो मुझे जो है रुद्राक्ष की प्राप्ति हुई पंचमुखी रुद्राक्ष है, ये भगवान शिव का जो है हमारे लिए आशीर्वाद है, मृत्युंजय महादेव का आशीर्वाद है। ये हमारे सभी जीवन में, हम इस सभी सनातनियों के जीवन में जो है एकम सिद्ध हो और हमारे जीवन के लिए एक नया मार्गदर्शन का कार्य करे। तो ये है हमारे कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष। कर्पूरधारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ आप कुबेरेश्वर धाम में जो है आप जो है अन्य क्षेत्र में जो है शिव तत्व का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हम लाइन में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पे दिया जा रहा है। पीछे विठले सेवा समिति द्वारा मंदिर निर्माण। भाई साहब मैंने अपने में टीका लगाने को बोला, देखो मैंने सिर्फ बोला था महाकाल लगाना भाई, त्रिशूल लगाना। देखो यहाँ ओम भी लगा दिए गए हैं, यहाँ पर भी त्रिशूल लगा दिए गए, यहाँ पर भी त्रिशूल लगा दिया गया है, पूरा जोकर वाला लुक। लेकिन फिर भी हम महाकाल के भक्त हैं। देखो भाइयों हम लोग यहाँ से गए थे रुद्राक्ष लेने, ये पोस्ट वीडियो है हमारा, रुद्राक्ष प्राप्त कर चुके हैं। तो ये देखो यह जो पंडाल है यहाँ हुआ था हमारे शिव महापुराण का जो कथा था, अभी जो गुरु पूर्णिमा में हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। और यहाँ हमने गए तो हमें कुछ चिट्ठियाँ मिली, जिस चिट्ठियों को भी आपको दिखाऊंगा। तो ऐसी चिट्ठियाँ जो कि भक्त जो लिख के भेजते हैं महाराज जी के लिए, उसको जो महाराज जी पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसे चिट्ठियों को जो है फेंक दिया जाता है। तो ऐसी चिट्ठियों को जो कि महाराज जी बोलते हैं अपने भक्तों को लिखने के लिए, भगवान शिव के जो है महिमा, शिव तत्व की कृपा के जो है लोग दर्शक जो बताते हैं, तो इसको जो है ऐसी चिट्ठियां जो थी उसको जो है फेंक दिया गया। रुकिए आपको सब चिट्ठियों को मैं दिखाता हूँ, ऐसे चिट्ठियों को छोड़ दिया गया पंडाल में ही। कुबेरेश्वर धाम के जो पंडाल था जहाँ पे भी गुरु पूर्णिमा का शिव वहाँ पुराण की कथा हो रहा था, वहाँ से देखिए मुझे चिट्ठी प्राप्त होती है। देखिए पंडाल को उन लोग अस्त व्यस्त कर चुके थे लेकिन ये चिट्ठी को फेंक दिया गया था। और एक ही नहीं कई सारे थे लेकिन इस चिट्ठी को आप जहाँ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो है हम जो है महाराज जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने जो है टीम से, अपने जो है सहयोगियों से कहें, ऐसे चिट्ठी को जो है बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसको जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है कहीं पर इसको छोड़ देना चाहिए या फिर इसका कुछ व्यवस्था करना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में विठले सेवा समिति से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी चिट्ठियों को जो है ऐसी न फेंके, इसका कुछ जो है समाधान करते हुए इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से करें। महाराज जी से हम यही निवेदन करना चाहेंगे, कुबेरेश्वर धाम में भक्तों के जो इतने प्रेम पूर्वक जो है पत्र जो लिखे गए हैं इसको जो है ऐसी फेंक दिया गया है, इसको जो है सुव्यवस्थित ढंग से इसकी जो है व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो है भक्तों का जो प्रेम था, जो शिव तत्व के प्रति उनका जो समर्पण था वो जो है अस्त व्यस्त ना हो। क्योंकि मैंने देखा पंडाल में ऐसी जो है ऐसी आप चिट्ठी को देखेंगे ऐसी फेंक दिया गया था, उसको जो है ऐसी मतलब मामूली कोई चीज़ की तरफ फेंक दिया गया था, कि भक्तों के जो है भगवान शिव के प्रति जो महिमा है, जो उन्होंने अपने हाथों से अपने जो है हृदय के भाव से वर्णन किया है, उसको जो है उन्होंने पत्र में लिखले सेवा समिति का जो मंदिर बन रहा है वो आप पीछे में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वही मंदिर है जो कि जो है पूज्य महाराज जी, जिसके लिए जो है आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उसके लिए अपना सहयोग कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में जो मंदिर दिख रहा है वही जो मंदिर है वो जो बनने जा रहा है। तो मेरे सनातनी मित्रों, आपको सीहोर का ब्लॉग कैसा लगा, कुबेरेश्वर धाम के दर्शन आपको कैसे लगे, क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे, क्या आप भी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहेंगे, क्या आप भी शिव तत्व को ग्रहण करना चाहेंगे, कमेंट से जरूर बताइएगा। और वीडियो में कोई त्रुटि हो, कुछ कमी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, ऐसे वीडियोज़ हम आप भी और बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।